वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय श्री सुपर गार्डन। आज मैं पॉटी मिक्स बनाने जा रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट प्लांट के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या ले रखा है, ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा मात्रा है, ये है राइस खस्क पाउडर है, ये है गार्डन सॉइल, ये है कोकोपीट, ये है सैंड और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो इसके लिए क्या है कि मैं 30% सॉइल ले लूँगा, 30% कोकोपीट ले लूँगा, 10% सैंड ले लूँगा, 10% वर्मी कंपोस्ट ले लूँगा और इन सारे चीज़ों को मैं मिला करके इस तरह का पाउडर मैं बना लूँगा। और इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं लगाऊँगा ये 3 ड्रैगन फ्रूट प्लांट। ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स को मैं निकाल रहा हूँ जिस तरह से पैकिंग करके आया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से ड्रैगन फ्रूट हमें मुझे मिला है। और मैं इसको इस तरह से इसको लगा दूंगा, ये देखिए, इसको मैं लगा रहा हूँ। इसको पहले गड्ढा कर देना है कुछ ये करके, और ज़्यादा गड्ढा करना है, हाँ, और ज़्यादा गड्ढा, हाँ, और करके इसको मैं लगा दूंगा, इस तरह से मैं लगा दूंगा और इसको मैं दाब दूंगा इस तरह से कि अभी मैं इसमें स्टेक नहीं लगा रहा हूँ, अभी बड़ा होगा तब मैं इसमें स्टेक लगाऊंगा। इसका मैं वीडियो मैं आप बाद में दिखाऊंगा। दूसरा वाला जो है ये मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसा है। अब मैं ये दूसरा वाला मैं वैरायटी लगाने वाला हूँ, मैंने पॉटिंग मिक्स बना रखा है, ये है पिंक, ये देखिए, ये पिंक स्किन और वाइट फ्लैश वाला ये वैरायटी है और इसको मैं अभी लगा रहा हूँ। ये देखिए बीच में मैं थोड़ा सा गड्ढा कर दिया बीच में, हाँ, और मैं इसको प्रेस करके बिल्कुल प्रेस कर दिया हूँ ताकि हिले नहीं, हाँ। ये रहा दूसरा वाला वैरायटी और ये तीसरा वाला वैरायटी, ये मैं लगा रहा हूँ, हाँ, ये देखिए, ये वाला जो वैरायटी है ये येलो स्किन और वाइट फ्लैश वाला ये वैरायटी है, तो ये मैं लगा दिया हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ही अच्छा ड्रेन सॉइल बनाया है मैंने, इस तरह से बनाने पर बहुत ही अच्छा ये चलेगा। इसको मैं पानी दे दूँगा, और उसके बाद क्या करना है कि ये जो पानी हमने जो डाल दिया है, ये देखिए, ये पानी डाल दिया है, अब इसके बाद मैं इसमें स्टेक लगाऊंगा जब कुछ बड़ा हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये जो अभी मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगाया हूँ, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको रीपॉट करके बड़े इंच वाले पॉट में लगा दूँगा। तो दोस्तों ये पौधा ज़रूर आप लगाएंगे। और इसके लिए क्या है कि चूँकि ये कैक्टस का वैरायटी है तो इसको जो है पूरे धूप में आप रखिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसको लगाया है, हमने आपको इसका स्टेटस दिखाया है, इसका रूट का, अभी रूट इसका फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको हल्का सा शेड में रखूँगा 1 महीने तक, और जब ये फुली एस्टेब्लिश हो जाएगा तब मैं इसको पूरे धूप में छत पर जा कर रख दूँगा ताकि इसका ग्रोथ जो है प्रॉपर हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आता है इसके ग्रोथ में तो आप मेरे प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसको आप ग्रो कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही, इसका जो फ्रूट्स निकलता है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो थैंक यू दोस्तों, कनेक्ट टू नेचर, कनेक्ट टू गॉड, थैंक यू।